नमस्ते बालाजी, हिंदी तैयारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये लव मैसेजेस होंगे आपकी पर्सन की तरफ से। जो बात शायद वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, या फिर आपको कभी बोल भी दिया होगा उन्होंने, वही मैसेज मैं लवर्स ओरेकल डेक की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस कन्वे करूंगी। ये जनरल मैसेजेस है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। 72 घंटे के लिए इस मैसेज को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। वैसे इतने अच्छे मैसेजेस हैं, 72 घंटे क्यों, आप कभी भी इस चीज को याद रख सकते इस बात को, लेकिन तो कुछ टाइम स्टैम्प देना पड़ता है तो 72 घंटे का मैंने दिया है। और ये उन लोगों के लिए है जो लव रिलेशनशिप में है, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो या शादीशुदा हो। सिंगल्स के लिए ये मैसेजेस नहीं है क्योंकि जो खुद को सिंगल मानते हैं जिनके लाइफ में कोई है ही नहीं तो वो मैसेज उनको कौन देगा। अगर आप समझते हो कि आपके लाइफ में कोई है प्यार करने वाला या वाली तो ये मैसेजेस आपके लिए है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं फर्स्ट मैसेज जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है सेजिटेरियस, वो क्या हो सकता है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो क्या होगा। वो ये होगा कि द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट, आपको अपने हृदय पर झांकना पड़ेगा, दिल पर झांकना पड़ेगा, नॉट इन योर माइंड। आप अपने मन से नहीं दिल से सोचिए आपको क्या करना चाहिए। फॉर द हार्ट इट इज ग्रेस वे टू द सोल, ये हृदय के रास्ते से दिल तक जाता है, आत्मा तक जाएगी। अगर आपको मतलब मैं सीधे शब्द में अगर इसे बयां मतलब डिस्क्राइब करूं तो अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ करना है रिश्ते के बारे में, कुछ करना है सोचना है रिश्ते को देखना है तो हमेशा दिल से देखिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि प्यार हमेशा दिल से किया जाता है, दिमाग से व्यापार बिजनेस, दिमाग से बिजनेस होता है और प्यार दिल से होता है। तो अगर आप प्यार में भी दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये कभी भी आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगा और वो प्यार भी नहीं होगा, क्योंकि प्यार प्यार होता है, प्यार के लिए दिमाग का नहीं दिल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा ही उन्होंने आपसे कहा। और अगर आप दिल से सोचने लगोगे तब आप खुद ही देखिएगा कि हर बात की उत्तर आप अपने दिल से पूछिएगा, दिल के अंदर झांक के आपको मिल जाएगा कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कितना प्यार करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हमें जानना होता है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, क्या मुझसे ये कहना चाहते हैं, क्या ये मेरे से दिल से प्यार करता है, तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएगा। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा चिल्ला के मैं वैसे भी नहीं बोल पाती हूँ और अभी तो नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। दिल से सुनिएगा तो ज़रूर आपको सुनाई देगा। कुछ लोगों की शिकायत रहता है कि सुनाई नहीं देता है ये वो, मैं वैसे ही बहुत धीरे से बात करती हूँ, मैं बहुत चिल्ला के कभी भी बात नहीं करती हूँ, लेकिन और अभी थोड़ी मेरा तबीयत भी खराब है उससे तो और मेरी आवाज बैठ गया है। देख लेते हैं वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। ए मैसेज फॉर यू,
आपके लिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या है वो मैसेज, मैं अभी रीड करूंगी आपके लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दिस इज वे एवरी मोमेंट योर लव फील मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं सजिटेरियस, ये कहना चाहते हैं कि ये आपका जो प्यार है ये हमेशा, अगर आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है तो ये आप पढ़ सकते हो इसे। ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ये मैसेज फॉर्म फॉर यू, आपके लिए एक मैसेज है। क्या, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं हमेशा आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। दिस वेरी मोमेंट, हर वक्त मैं आप ही को सोचता हूँ। योर लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। आपका जो प्यार है वो उनको एक लाइट की तरह फील करवाता है, एक रोशनी की तरह। आपके प्यार उनके लिए एक रोशनी जैसी है, एक रोशनी की तरह उनको फील करवाता है और ये आपसे प्यार करते हैं, ये बात आपसे कहना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे नंबर 3, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो कार्ड उछल उछल के आ रहा है। नंबर 3, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। शायद आप इससे इनसे ये सोचते हो कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इसीलिए आप हमेशा उन पर मतलब हावी रहते हो, ये टेस्ट करना ये करना कि आप मुझसे प्यार करते हो तो ये करो वो करो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं, वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के लिए ऐसा फील होता है, ओवर पॉजिटिवनेस के लिए ऐसा इंसान को फील होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ी छूट देनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे से दूर रहोगे, एक दूसरे से थोड़ा कम अटैच रहोगे कि हमेशा आप क्या कर रहे हो, क्यों मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों आपका कॉल नहीं आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज अगर आप हमेशा ऊपर बोलते रहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है सेजिटेरियस ऐसा आप भी कर सकते हो। तो ऐसा ना करें, कुछ स्पेस दिया करें, हमेशा मेरे साथ चिपके रहो, हमेशा मेरे बारे में सोचो, हमेशा मुझसे ही बातें करो, ये प्यार नहीं है। तो आप इस प्यार को महसूस कब कर पाओगे, जब आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दोगे, अपने अपने सोच के साथ जब ये खुद ही आपके तरफ आएंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं। और ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। हमेशा किसी के सर पे हावी मत रहा करें। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउ एंड गिव स्पेस। प्यार कभी भी किसी को एक दूसरे पर हावी होने के लिए नहीं बोलता है। प्यार क्या बोलता है, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी स्पेस दे दो। प्यार अगर है आपसे उनका, तो वे कहीं भी चले जाए, दिल में आप रहोगे। जैसे कुछ लोग हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, लेकिन प्यार बहुत रहता है। सच्चा प्यार जो होता है ना, जन्मों तक, सालों तक आप किसी से दूर रहो, लेकिन उनके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो हमेशा आपके दिल में रहेगा। इसे कहते हैं प्यार। तो हमेशा हावी रहने से, सर पे चरे रहने से, तुम उसे प्यार करते हो, तुम उसे प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, कॉल नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मेरे बात का रिप्लाई नहीं दिया, क्या कर रहे थे इतनी देर, ये हमेशा किटिर 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 मत किया करे। थोड़ा सा स्पेस दे एक दूसरे को, फिर देखिएगा प्यार इतनी अच्छी चीज है कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ चले आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं नंबर 4, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीशन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक टू शुड डू फॉर दिस ओनली इन बीइंग ट्रू टू
टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये कहना चाहते हैं कि हमेशा खुद को ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात के लिए खुद को गिल्ट फील मत करवाओ। अच्छा लोग ये कहेंगे इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, लोग चाहे लोग देख ना ले इसलिए मुझे दूर रहना पड़ रहा है, लोग ये ना करें, लेकिन आप खुद के साथ क्या ट्रू हो? जो आप दूसरों को देखते हो, दिखाते हो, जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, अगर आप सच में अपने आप में भी उतना ही सच्चे हो तो आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सच्चे इंसान को हमेशा लोग उसी तरीके से देखते हैं। चाहे आप कितना भी खुद को दिखाने की कोशिश करो, आप जो हो ना, बेसिक जो आपका है वो लोगों को दिख ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को दोषी मान कर, नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, वो लोग देख लेंगे, वो कर लेंगे, वो बताएंगे। अगर आप सच्चे हो, का दिल सच्चा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए अपनी सच्चाई को मत छुपाइए। जो आप हो वो हो, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, और दूसरे आपको सर्टिफिकेट दे उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद सच्चे हो तो दूसरे आपसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर खुद जानते हो मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, मुझ में इस बात की सच्चाई है, तो आप हो, कोई माने या ना माने, किसी की मानने से क्या जाता है। मुझे तो अपना काम अपने ही करने हैं, खुद ही करने हैं, अपना लाइफ खुद ही जीना है, तो दूसरे मुझसे क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरों की वजह से खुद को दोषी मत ठहराओ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले इन्होंने चार जो मैसेजेस आपके लिए छोड़े हैं, बहुत यूनिक मैसेजेस हैं। इसमें एक मैसेज तो ऑलरेडी उन्होंने आपसे जो प्यार करता है उसका भी इजहार उन्होंने किया है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस फॉर यू, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ये जो कह रहे हैं इसके ऊपर एंजल की क्या क्या कहना है एंजल का। बैलेंस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपको मिल रहा है, जो प्यार आपको मिल रहा है, शायद आप इस प्यार को डिजर्व करते हो, तो इसको बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। हमेशा अपने तरीके से सोचने से काम नहीं चलेगा। जिससे आप रिश्ता कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, कभी कभी उनकी तरीके भी आपको अपनाने पड़ेंगे और उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपके पर्सन कह रहे हैं, कार्ड इतने सिमिलर आ जाते हैं कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और जो आप कर रहे हो वो सही या गलत है वो आपको यूनिवर्स जरूर बता देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।